please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. हर जुर्म की खबरों के साथ दिन दहाड़े में मैं हूं फरा खान। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में आतंकियों ने अपहरण के बाद एक आदमी की हत्या कर दी। इससे पहले चार आतंकी फारूक अहमद नाम के आदमी के घर में घुसे और उनके दामाद को अगवा कर लिया। इस दौरान आतंकियों ने फारूक की पत्नी, बेटी और भाई को गंभीर रूप से घायल भी कर दिया। पुलिस के मुताबिक परिवार पर धारदार हथियारों से हमला भी किया गया। घटना के पीछे लश्करे तैयबा के आतंकियों का हाथ होने की आशंका है। पुलिस के मुताबिक फारूक के एक बेटे की पिछले साल आतंकियों ने हत्या कर दी थी। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी रिफत फोन लाइन पर मौजूद है। रिफत, ये शख्स कौन था जिसकी हत्या की गई और इनके बेटे की भी हत्या की गई थी, तो क्या है ये पूरा मामला? चार बंदूकबरदार जो है उनके घर में, जो फारूक अहमद जो आपने नाम बताया उनके घर में दाखिल हो गए और वहां पे उसके बेटे की तलाश में, ये जो बताया जा रहा है कि वो चारों बंदूकबरदार उसके बेटे की तलाश में थे और इस बीच जो है वहां पे जो दामाद था उसका, फारूक अहमद का, उसको मिलिटेंट साथ में लेके गए और साथ ही जो उसकी बीवी है उसको भी जो है निशाना बनाया गया, वो जख्मी हो गई, उसकी बेटी भी जख्मी हो गई और आज उस दामाद की जो है लाश मिली है, मतलब उसकी भी अब मौत हुई है, उसको भी मार डाला गया है। तो ऐसे में अब ये देखना होगा कि पुलिस किस तरह से ये इन्वेस्टिगेट करेगी मामला, लेकिन फिलहाल उसकी लाश मिली है और उसकी जो बीवी है वो भी हॉस्पिटल में है और उसकी सास भी हॉस्पिटल में है। तो फारूक अहमद का दामाद जो है उसकी मौत हुई है, उसकी डेड बॉडी मिली है उधर ही डिस्ट्रिक्ट बांदीपोरा में ही, और बेटी उसकी हॉस्पिटल में है और बीवी भी हॉस्पिटल में है। और जिस कि हम फारूक अहमद जो है उसके बेटे का इससे पहले भी जो है बंदूकबरदारों ने उसकी हत्या की है बेटी की। रिफत, इस पूरे मामले में एक जो बात बहुत चौंकाने वाली है कि एक तरह से देखा जाए तो पूरा जो परिवार है उसको बर्बाद कर दिया गया है, तो कोई पुरानी रंजिश आखिर क्यों ही इस परिवार को टारगेट बनाया गया? पहले बेटे की हत्या कर दी गई, अब दामाद और वो जो फारूक हैं वो भी अभी तक उनका कुछ पता नहीं चल पा रहा है। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने, इस मामले की इन्वेस्टिगेशन पुलिस कर रही है, जैसा पुलिस ने भी कहा कि मामले को इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। हालांकि पुलिस ने प्रेस नोट जारी किया और कहा कि चार बंदूकबरदार और चार मिलिटेंट जो है वो घर में घुसे थे, उसके बाद इनके दामाद को साथ में ले गए, एक और बेटे की तलाश में थे, जब वो बेटा वहां पे नहीं पाया गया तो दामाद को साथ में लेके गए और आखिर दामाद की जो डेड बॉडी मिली आखिर उसको क्यों मार डाला गया, अब शायद इसकी तहकीकात की जाएगी कि आखिर ये मामला क्या है। पुलिस इस मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है लेकिन लाश मिली है और जो माँ बेटी है वो अभी हॉस्पिटल में इंजर्ड है। जी बहुत बहुत शुक्रिया रिफत आपका। महाराष्ट्र के अमरावती में एक अस्पताल में कुछ लोग एक डॉक्टर पर लात घूंसे बरसाते दिखे। आरोप है कि ये डॉक्टर ड्यूटी के वक्त शराब के नशे में अस्पताल पहुंचा था, जिसकी वजह से मरीजों के परिवार वाले भड़क गए और उन्होंने डॉक्टर की जमकर पिटाई कर दी। आरोप है कि आईसीयू में ड्यूटी पर लगाए गए डॉक्टर ने वहां हंगामा करने की कोशिश की, जिसके बाद लोगों ने उस पर थप्पड़ बरसाए। यही नहीं, नशे में लगे मारकर बाहर निकाल दिया। आईसीयू से बाहर निकलने के बाद भी लोगों ने उसका कॉलर पकड़कर सीढ़ियों पर खींचा और वहां भी उसकी जमकर धुनाई की। आरोप है कि सरकारी अस्पताल में इस डॉक्टर के नशे में हंगामा करने की बात नई नहीं थी, लेकिन इस बार मरीजों को इलाज के लिए लाने वाले ईमानदारों ने डॉक्टर की जमकर खातिरदारी कर दी। इस डॉक्टर को शराब पीकर हंगामा करने के आरोपों में पहले भी निलंबित किया गया था। तो वहीं दिल्ली में बीजेपी विधायक ओपी शर्मा और उनके परिवार के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। मारपीट की घटना 31 मार्च की रात की है। आरोप है कि कुछ लोगों ने विधायक ओपी शर्मा और उनके परिवार के लोगों के साथ पुलिस वालों की मौजूदगी में मारपीट की। पुलिस के मुताबिक बीजेपी के विधायक ओम प्रकाश शर्मा के प्रीत विहार वाले घर के बाहर कुछ लोग शराब पी रहे थे। जब चौकीदार ने उन्हें मना किया तो वो मारपीट पर उतर आए। बीजेपी विधायक से मारपीट की फुटेज सीसीटीवी में कैद हो गई है। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर तीन लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें से एक को थाने से जमानत मिल गई है जबकि बाकियों को जेल भेज दिया गया है। बताया जा रहा है कि इस हमले में महिलाएं भी शामिल थीं और ये सीसीटीवी फुटेज आप देख सकते हैं जो जिसमें किस तरह से एक दूसरे पर हाथापाई की जा रही है साफ नजर आ रही है। और इस मामले में तीन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसमें एक को थाने से जमानत मिल गई है।
उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में मीडिया से बातचीत में एक महिला अपने पैरों पर जख्म दिखाने लगी। आरोप है कि हमीरपुर के रमेड़ी खदान में किसानों ने मुआवजे के लिए हंगामा किया, जिसके बाद खदान के संचालकों ने उन पर लाठियां बरसाई। हालांकि आरोप है कि दोनों पक्षों ने एक दूसरे के साथ मारपीट की, जिसमें चार लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। बाद में उन्हें इलाज के लिए कानपुर भेज दिया गया। ठेकेदार के आदमी जिनको मैं भली भांति नहीं जानता हूं, वो लोग आए और विशेष मात्रा में मारपीट की। इस मामले में खदान संचालकों और किसानों ने एक दूसरे के खिलाफ पुलिस से शिकायत की, जिसके बाद गाँव में भारी तादाद में पुलिस वाले तैनात कर दिए गए। इसके साथ ही दावा किया गया कि जिला प्रशासन ने किसानों को मुआवजे का भरोसा देते हुए शांत कराया। बिहार के बांका में पुलिस का एक अधिकारी मोबाइल फोन पर कुछ लोगों के बयान रिकॉर्ड करता दिखा। पुलिस को खबर मिली थी कि बांका के एक गांव में दो नाबालिग लड़कियों ने संदिग्ध हालात में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। मिलने पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और पेड़ पर एक ही फंदे से लटक रहे दोनों नाबालिग लड़कियों के शव को नीचे उतारा। परिवार वालों का दावा है कि छठी क्लास में पढ़ने वाली मनीषा और कंचन के बीच पिछले दो वर्षों से गहरी दोस्ती थी। दोनों एक साथ खाना पीना, पढ़ना और सोना पसंद करती थी, जिससे परेशान होकर कई बार उनको अलग करने की कोशिश की गई। शुरुआती जांच के बाद पुलिस ने दोस्ती में परिवार वालों के दखल की वजह से आत्महत्या की आशंका जताई। तो गार्जियन को कहना था कि अपना घर में रहो, और अभी तक से यही उभर के आया कि इसी के चलते दोनों ने अपना जान ले लिया, खुदकुशी कर ली। हालांकि पुलिस ने इस मामले में हत्या की आशंका से भी इनकार नहीं किया और दोनों के शवों को आगे की जांच के लिए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। तो वहीं वाराणसी में जमीन विवाद को लेकर दो गुटों में जमकर झड़प हो गई। वाराणसी के सोयपुर में जमीन के विवाद में दो गुट आमने सामने आ गए, जिसके बाद दोनों गुटों के बीच पथराव और आगजनी हो गई। यही नहीं, दोनों तरफ के लोगों ने एक दूसरे पर लाठियां भी भांजी। जमीन के लिए हुए इस झगड़े में करीब 6 लोग घायल हो गए। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर जमीन विवाद को लेकर दो गुटों में झड़प हो गई। वाराणसी का ये पूरा मामला है, जहां जमीन विवाद को लेकर दो गुटों में जमकर झड़प हुई। वाराणसी के सोयपुर में ये जमीन विवाद हुआ, जिसमें दो गुट आमने सामने आ गए और जिसके बाद ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि आग लगा दी गई वहां पर और दोनों तरफ के लोगों ने एक दूसरे पर लाठियां भी भांजी। ये पूरा मामला जमीन विवाद को लेकर है, जिसके बाद ये पूरा बखेड़ा खड़ा हुआ। तस्वीरें आपके सामने हैं। बिहार के मुंगेर में दो तस्कर पुलिस की गिरफ्त में खड़े दिखाई दिए। पुलिस ने इन दोनों के पास से करीब 4 किलो गांजा बरामद करने का दावा किया और दोनों को मुंगेर के बबुआ घाट से गांजे समेत गिरफ्तार कर थाने लाया गया। पुलिस का दावा है कि इंद्रदेव यादव और युगल यादव ने बेगूसराय के कुरहा बाजार इलाके के पासी टोला इलाके में जमीन के नीचे छिपा गांजा निकाला और नाव की मदद से गंगा पार कर गांजे को बेचने के लिए मुंगेर पहुँचे। 3 किलो 700 ग्राम गांजा के साथ गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अभी इनसे पूछताछ कर रही है। पुलिस इन तस्करों से पूछताछ कर मुंगेर में गांजे के खरीदारों का पता लगाने में जुट गई है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक बीजेपी नेता सरेआम एक पुलिस इंस्पेक्टर को धमकी देता दिखा। इंस्पेक्टर को धमकाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें साफ दिखा कि एक कार्यक्रम के दौरान कुछ बीजेपी नेता डिलारी थाने के इंस्पेक्टर शरद मलिक को घेर कर धमकाने लगे। तो आप कारनामे कर रहे हो, मेरे पास सबकी रिपोर्ट है, मैं यहां क्षेत्र दे दीजिए सर। इसी बीच वहां खड़ा बीजेपी नेता राजपाल चौहान का बेटा अमित चौहान गुस्से से आग बबूला हो गया और इंस्पेक्टर को 2 सेकंड में टोपी उतरवाने की धमकी देने लगा। एक भी अगर मुझे गलत मिल गया ना, तो आपकी टोपी 2 सेकंड के अंदर नीचे करवा दूंगा मैं। बिल्कुल सर। अपनी पार्टी की सरकार की धौंस दिखाते हुए बीजेपी नेता ने पुलिस के आला अधिकारियों के खिलाफ भी धमकी भरे शब्दों के बाण छोड़े। इनकी क्या, इनके अधिकारियों की टोपी नीचे करवा दूंगा अगर गलत करेंगे तो, ये भाजपा की सरकार है। इस दौरान वहाँ मौजूद लोगों ने बीच बचाव करने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस इंस्पेक्टर वहाँ से चले गए। लेकिन बीजेपी नेता के बेटे का गुस्सा फिर भी कम नहीं हुआ और वो 2 सेकंड में पूरे पुलिस तंत्र को सुधारने का दावा करने लगा। तैसी की तैसी कर देंगे हम, हमारी सरकार इसलिए बदनाम होती है कि ये लोग नीचे वाले बदनाम कर रहे हैं, नीचे का तंत्र इसको सुधारना पड़ेगा। पुलिस इंस्पेक्टर से जब विवाद की वजह पूछी गई, वो बगैर कुछ कहे वहाँ से निकल गए। धमकाना अलग होता है, आरोप लगाना अलग होता है। किस तरह के आरोप हुई, क्यों, क्या वजह रही है बीजेपी? उनसे पूछिए ना, आप उनसे पूछिए। ये पूरा मामला कुआखेड़ा गाँव के एक मंदिर पर हुए विवाद के बाद सामने आया, जिसमें एक पक्ष की शिकायत ना सुने जाने से नाराज कुछ बीजेपी नेता एक कार्यक्रम के दौरान पुलिस इंस्पेक्टर पर पक्षपात करने का आरोप लगाने लगे। जबकि गांव वालों का आरोप है कि मंदिर विवाद के पहले के और अब के बाद प्रधान के बीच में है।
जिसमें पूर्व प्रधान पक्ष के एक आदमी की गिरफ्तारी के बाद गांव में तनाव बढ़ गया। इस पे मंदिर बनाना चाह रहे हैं, ये मुंडन बनाने दे रहे ग्राम समाज। पूर्व प्रधान के एक आदमी को हिरासत में लिए जाने का इलाके के बीजेपी नेता ने भी विरोध किया, लेकिन विरोध के दौरान वो अपना आपा खो बैठे। तो वहीं बिहार के हाजीपुर में कोर्ट में पेशी के दौरान एक नाबालिग कैदी ने पुलिस कर्मी को 2 गोली मार दी। गोली मारने के बाद नाबालिग कैदी हथकड़ी सहित फरार हो गया। घायल पुलिस कर्मी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक नाबालिग कैदी को कोर्ट में पेशी के लिए ले जाया जा रहा था, तभी नाबालिग ने फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग के दौरान एक पुलिस कर्मी को गोली लग गई, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। फरार कैदी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। उत्तर प्रदेश के संभल में रात के अंधेरे में कुछ पुलिस वाले हाथों में हथियार लिए एक बदमाश की तलाश करते नजर आए। पुलिस की टीम कासमपुर इलाके कुछ अपराधियों की तलाश में जुट गई थी, लेकिन वहां उसकी मुठभेड़ एक इनामी बदमाश से हो गई, जिसकी पुलिस को कई दिनों से तलाश थी। आरोप है कि 15,000 का इनामी बदमाश यूनुस मोटरसाइकिल से अपने साथी के साथ वहां से गुजर रहा था। पुलिस ने उसे रोकने की कोशिश की तो उसने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश यूनुस के पैर में गोली लगी, जबकि उसका साथी भागने में कामयाब रहा। पुलिस ने दावा किया कि गिरफ्त में आया यूनुस हिस्ट्री शीटर है और उस पर 20 से ज्यादा आपराधिक केस दर्ज है। संभल थाने से 3 मुकदमों में वांछित था। इस अभियुक्त की एक लंबी क्रिमिनल हिस्ट्री है, करीब 20 से ऊपर मुकदमे। पुलिस ने मौके से चोरी की मोटरसाइकिल और अवैध हथियार बरामद किए और मुठभेड़ में घायल बदमाश और 2 पुलिस वालों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। तो वहीं हिमाचल प्रदेश के मनाली में एक स्कूल के टीचर पर कॉपी चेक किए बिना रिजल्ट सुनाने का आरोप लगा है। आरोप है कि टीचर रिजल्ट वाले दिन शराब के नशे में स्कूल पहुंचा और बच्चों के माता पिता के रिजल्ट बताने को कहने पर नशे में ही परिणाम बताने लगा। बच्चों के माता पिता ने शिक्षक के नशे में परिणाम बताने का वीडियो बना लिया और इसकी शिकायत उप निदेशक से की। जांच में पाया गया कि बिना कॉपी चेक किए ही बच्चों के परिणाम सुना दिए गए, जिसके बाद मामले में विभागीय जांच बैठाकर टीचर का दूसरी जगह ट्रांसफर कर दिया गया। बच्चों के माता पिता इस मामले में शिक्षक पर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के इटावा में भी पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। गाड़ी चेकिंग के दौरान पुलिस को देखकर भाग रहे बाइक सवार बदमाशों का पीछा करने के दौरान जबरदस्त मुठभेड़ हुई। करीब आधा घंटे तक चले इस मुठभेड़ में 25,000 का इनामी बदमाश कलाम घायल हो गया। घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बदमाशों की फायरिंग में थाना अध्यक्ष सतेंद्र भदौरिया भी घायल हो गए हैं। वहीं दूसरा बदमाश सौरभ फरार हो गया है। सौरभ पर भी 25,000 का इनाम है। सौरभ की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। ये एक मोटरसाइकिल पे 2 काली मोटरसाइकिल बिना नंबर की थी, उसको रोकने का प्रयास किया, जिसपे वो आगे भागी, बैतपुरा रेलवे स्टेशन की तरफ भागी और उसने थाना प्रभारी उनके हमराहियों पर जो है फायरिंग की, जिसके आत्मरक्षा और कर्तव्य पालनार्थ इन पुलिसकर्मियों द्वारा भी उसमें फायरिंग की गई, जिसमें जब एक गोली लगी उसको गिरफ्तार कर लिया गया। थाना प्रभारी भी घायल हो गए हैं। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में कई लोग सड़क पर हाथ उठाकर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते दिखे। ये लोग एक बच्चे की मौत के बाद हंगामा कर रहे थे, जिसे एक बड़ी गाड़ी ने टक्कर मार दी थी, जिसके बाद इलाके के लोग नाराज हो गए और इकट्ठा होकर हंगामा करने लगे, जिससे सड़क पर जाम लग गया। हादसे की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। उसके बाद पुलिस ने लोगों को शांत कर जाम खुलवाया। आरोप है कि जिस जगह बच्चे को टक्कर लगी वो नो एंट्री एरिया था, जिसमें भारी वाहन ले जाने पर पाबंदी थी। बताया जा रहा है कि 2 सांडों की लड़ाई के दौरान बच्चे को टक्कर लगी और वो सड़क पर गिर गया। उसी वक्त तेज रफ्तार में आ रही एक गाड़ी ने बच्चे को टक्कर मार दी, जिससे बच्चे की मौत हो गई। हादसे के बाद गाड़ी का ड्राइवर मौके से फरार हो गया। जो बच्चा जा रहा था, गार्ड ने उसकी जो ठोकर मारी तो वो घबरा कर भागा, तो डीजीएम के नीचे आ गया। पुलिस के आला अधिकारियों ने जब पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता का आश्वासन दिया, तब जाकर लोगों ने जाम खत्म किया। तो वहीं झारखंड के खपिया गांव से पुलिस ने प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के 2 हार्डकोर नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। गाड़ियों के सघन जांच अभियान के दौरान पुलिस ने इन दोनों नक्सलियों को पकड़ा।
पुलिस ने पूर्व माओवादी कमांडर अभय उर्फ विनोद राय और उसके सहयोगी विवेंद्र यादव को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार नक्सलियों के पास से 2 पिस्तौल, 5 कारतूस, 1 मोटरसाइकिल समेत कई अन्य सामान भी बरामद किए गए हैं। यूपी के मिर्जापुर में रात के वक्त एनडीआरएफ यानी नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की टीम खुदाई करती नजर आई। ये टीम 70 फुट गहरे बोरवेल में गिरी बच्ची को निकालने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि पुलिस ने गांव वालों के साथ मिलकर बच्ची को निकालने के लिए बोरवेल के पास ही जेसीबी मशीन से गड्ढा खोदा था, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिली, जिसके बाद एनडीआरएफ की मदद ली गई। 2.5 साल की गीतांजलि माँ के साथ खेत पर गई थी, लेकिन खेलते खेलते बोरवेल में गिर गई। तो थे देखा थे देखा थे माँ बच्ची के हिर गए लगे घी आए हेरे लगे नहीं पाया तब वही में अम्मी अम्मी कोई नरियात रहे आवाज सुना। आखिरकार 12 घंटे बाद बच्ची को बोरवेल से निकालने में कामयाबी मिली। बच्ची को फौरन अस्पताल ले जाया गया, पर उसे बचाया नहीं जा सका। उसको प्रशासनिक मदद से निकाला गया और उसके बाद यहाँ पे जब लाया गया तो फिर वो जिस समय लाया गया तो उस समय ब्रॉड डेड थी। घंटों की मेहनत के बाद भी मासूम बच्ची की जान चली गई। अगर एनडीआरएफ की मदद पहले मिली होती तो शायद बच्ची बच सकती थी। तो वहीं बिहार के भोजपुर में रेलवे ट्रैक पर एक लड़की का शव ट्रेन से कटा हुआ मिला। आरोप है कि कुछ लोगों ने युवती की हत्या कर शव को रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया। परिजनों के मुताबिक युवती रात में शौच के लिए बाहर निकली थी, तभी गांव के 4 लोगों ने युवती की हत्या कर शव को रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया। युवती को खोजने के दौरान भाई ने लोगों को शव ले जाते हुए देखा, जिसके बाद भाई ने शोर मचाया। शोर सुनकर वे सभी शव ट्रैक पर छोड़कर फरार हो गए। घटना के बाद से 4 आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। देखे कि आपने देर हो गया नहीं आई, हम देखे तो मेरे बहन को रेलवे लाइन पर धर कर चारा दी जा रहे थे। मैंने हाला किया तो भाग गए। अरे घर पे भी नहीं होगा? नहीं है, हम तो ट्रैक मानते हैं कि ट्रैक पर कटा हुआ। हत्या है नहीं है वो तो बाद में की चीज है, अनुसंधान का विषय है। मध्य प्रदेश के भोपाल में एक मां पर बच्चे को गोरा करने के लिए पत्थर से रगड़ने का आरोप लगा है। पत्थर से रगड़ने की वजह से बच्चे के हाथ और पैरों पर घाव के निशान हो गए हैं। करीबी रिश्तेदार की शिकायत के बाद फिलहाल बच्चा चाइल्ड केयर कमेटी के पास है। आरोपी महिला ने बच्चे को गोद लिया था, जिसके बाद वो उसे गोरा करने के लिए पत्थर से रगड़ती थी और तरह तरह की क्रीम का इस्तेमाल करती थी। मामले में माता पिता के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज करा दी गई है। तो मम्मी ने घिसा। क्या किया है? मम्मी ने घिसा। क्यों? गोरा करने के पीछे। क्यों? गोरा करने के पीछे। क्यों गोरा करने के लिए? किससे घिसती थी वो? पत्थर से। पत्थर से। तो वहीं दिल्ली की क्राइम ब्रांच ने एसएसपी पेपर लीक से जुड़े केस में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान नीरज शर्मा, अनूप राव, कुशल नेगी और धूरज अली के रूप में हुई है। क्राइम ब्रांच ने धूरज को सोमवार को अरेस्ट किया है। पुलिस कुशल नेगी को रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है।